नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तेज स्पीड बस की टक्कर से दो गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के नकाहा रोड पर बिड़नापुर गांव के पास तेज गति से आ रही बस ने दो गौवंश की टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक की मौत हो चुकी है और दूसरा भी मरने की कगार पर है। दोनों गौवंश घंटों रोड पर तड़पते रहे, लेकिन मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। एक्सीडेंट की खबर सुनकर सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर लगभग दो घंटे बीत जाने के बाद भी उनको देखने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है कि आज दो गौवंश रोड पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, जबकि एक गौवंश की मौत हो चुकी थी, तो उसको ऐसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली से लाद कर फेंकने की बात करते हैं, जबकि मौके पर ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्या प्रशासन को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है?